दोस्तों, 2 दिन पहले ही सूर्य ग्रहण हुआ था और मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होते कैसे हैं। यानी आज भी लोगों को पता नहीं कि यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते कैसे हैं। इस वीडियो में मैं आपको कम शब्दों में और आसान शब्दों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में समझाऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण, यह शब्द से पता चलता है कि सूर्य पर ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण जब भी होता है तब हमेशा अमावस होती है, यानी जब हमें चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखता। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक ही लाइन में होते हैं। जैसे कि यह है सूर्य, यह है चंद्रमा और यह है हमारी पृथ्वी, तीनों एक ही लाइन में है। जब यह एक लाइन में आते हैं तब सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और तभी चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। उस वक्त जिस जगह पर चंद्रमा की छाया गिरती है वह जगह थोड़ी सी अंधेरामय होती है। याद रखिए दोस्तों, पूरे पृथ्वी पर अंधेरा नहीं होता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के वक्त जब हम देखते हैं सूर्य पर जो काला काला दिखता है वह दरअसल चंद्रमा होता है। अमावस्या के कारण चंद्रमा हमें नहीं दिखता, यह इसलिए कि सूर्य का जो पूरा प्रकाश है वह चंद्रमा के पिछले बाजू पड़ता है और चंद्रमा की पिछली बाजू हम पृथ्वी से कभी भी नहीं देख पाते। अभी हम चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं। चंद्र ग्रहण यानी चंद्रमा पर ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण जब भी होता है तब हमेशा पूर्णिमा होती है, यानी जब हमें चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है पृथ्वी से। चंद्र ग्रहण तभी होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अपने अक्ष पर एक ही लाइन में आते हैं। जैसे कि यह है सूर्य, यह है पृथ्वी और यह है चंद्रमा, यह तीनों एक ही लाइन में है। जब यह एक लाइन में होते हैं तभी चंद्र ग्रहण होता है। दोस्तों, आपने एक बात को गौर किया, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में आते हैं, पर चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में आते हैं। जब चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ता है और तभी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यानी चंद्र ग्रहण के वक्त चंद्रमा पर जो काला काला दिखता है वह दरअसल हमारे पृथ्वी की छाया होती है। दोस्तों, पर जब पूरा चंद्र ग्रहण होता है तब चंद्रमा कुछ समय के लिए लाल दिखाई देता है, यह इसलिए कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से टकरा कर जाता है और जब वायुमंडल में टकराता है तो वो 7 रंग में परिवर्तन होता है और सबसे ज़्यादा लाल रंग की मात्रा चंद्रमा पर पड़ती है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि अमावस और पूर्णिमा तो हर महीने आते हैं, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हर महीने क्यों नहीं आते? इसका कारण यह है कि पृथ्वी के अक्ष पर चंद्रमा के अक्ष का झुका होना और यह झुकाव करीब 5.15 डिग्री है, इसलिए हर बार चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश नहीं करता। इसी कारण से हर महीने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होते। चंद्र ग्रहण पूरी पृथ्वी पर यानी जहाँ पर अंधेरा होता है वहाँ पर एक ही समय पर चंद्र ग्रहण होता है, पर सूर्य ग्रहण थोड़े थोड़े समय बाद थोड़े थोड़े देशों में होता है और यह चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण साल में 2 बार होते हैं। कभी कभी एक साल में 3 से 4 बार चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो जाते हैं। एक स्टडी के अनुसार हर 100 साल में 400 से 450 बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं। अगला जो सूर्य ग्रहण है वह 25 अक्टूबर 2022 को होगा, जो भारत से दिखाई देगा, और अगला जो चंद्र ग्रहण है वह 26 मई 2021 को होगा, जो भारत से दिखेगा। दोस्तों, आखिर में आपसे मुझे एक सवाल पूछना है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से जुड़े ऐसे बहुत से विश्वास और अंधविश्वास है, तो आपका क्या विचार है इन तथ्यों पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कोई भी साइंटिफिक रीज़न है इस ग्रहण के विषय में तो हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।